हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सीआई सब एसआई एसएम 2022 वालों को जो है मेडिकल 26 तारीख से स्टार्ट हो गया था। मैंने कल भी रिव्यू में बताया था, 26 तारीख का पूरा मैंने कंप्लीट रिव्यू दिया था। अभी 26 तारीख को उनका क्या क्या चेकअप हुआ था, क्या क्या डिटेल्स उनसे मांगी गई थी, क्या क्या जो है उनको डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, वो सब कुछ मैंने 26 तारीख का रिव्यू कल वाली वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 26 तारीख को क्या क्या हुआ था और 26 तारीख के बाद में आज उनका क्या क्या होने वाला है, और 27 वाले स्टूडेंट जो है कितने प्रेजेंट हुए थे, कितने और उनका क्या क्या चेकअप हुआ था। तो सबसे पहले 26 तारीख वाले स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं। 26 तारीख वाले स्टूडेंटों का जो है सबसे पहले जो है बॉडी का भार भार का जो चेकअप होता है ना, आँख कान नाक और अपने जो नोकनी है, हाथों का एंगल वगैरह, ये सब कुछ चेक हो गया था। और डॉक्यूमेंट्स जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी ना, उनकी फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर ली थी 26 तारीख को फर्स्ट डे के दिन। और नेक्स्ट डे उनका जो है यूरिन टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट एक्सरे ये सब हुआ था। और लड़कियों का तो फिर भी नहीं हुआ। ये मैं महिपालपुर वाले सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मांगा स्टाफ गया, बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है प्रोसेस। इसलिए लड़कियों कुछ लड़कियों का तो हो गया यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट और जो एक्सरे वगैरह कुछ लड़कियों को हो गया, लेकिन कुछ लड़कियां बच रही है जिनका आज होने वाला है, यानी तीसरा डे चल रहा है आज। आज 28 तारीख हो चुकी है, 26, 27, 28 और तीसरा डे चल रहा है। तीसरे दिन उनका जो है ये सब जाँच इनकी होने वाली है कुछ लड़कियों की। लड़कों का तो जो है कंप्लीट हो गया था कल ही, आज रिपोर्ट आएगी पूरी कंप्लीट और आज उनको जो है रिजल्ट सुनाएंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट के बाद में ये चीजें पता तो चलेगी भाई कितने स्टूडेंटों को रीमेडिकल मिल रहा है, और ज्वाइनिंग लेटर है जो भी अपना ट्रेनिंग लेटर है, वो ट्रेनिंग डेट वो सब कुछ आज पता चल जाएगी शाम तक, भाई कब कब से हमारी ज्वाइनिंग है, कब से ट्रेनिंग है, कब से क्या है, वो सब कुछ जो है आज शाम तक पता चल जाएगी। ये तो थी भाई 26 तारीख वालों की बात। 26 तारीख वाले स्टूडेंट जो है आज कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहे हैं बोल रहे थे भाई, वो जिनका 26 तारीख को मेडिकल था वो सभी स्टूडेंट बोल रहे थे बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। यहाँ पर बैठाए रखते हैं आधे आधे एक एक दो दो घंटे तक बैठाए रखते हैं एक जगह ही, और बहुत डिले चल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। लंच हो जाता है, लंच में दो दो तीन तीन घंटा लगा लेते हैं, उसी हिसाब से पूरा दिन ऐसे निकाल देते हैं। उसके बाद आती है भाई 27 तारीख वालों की बात। 27 तारीख को जो है स्टूडेंट जो है महिपालपुर में वही 77-78 के लगभग स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हुए थे। एबसेंट तो फिर भी है भाई, एबसेंट 26 तारीख को भी थे और 27 तारीख को भी एबसेंट है। उसी तरीके से रांची और हैदराबाद में भी मतलब 6-6, 7-7, 5-5, 7 स्टूडेंट वहां पर भी एबसेंट चल रहे हैं। मतलब एबसेंट तो यार होना आम बात है बिल्कुल, एबसेंट चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कुछ भी मेडिकल हो, चाहे टाइपिंग हो, कुछ भी हो, एबसेंट तो हर एक एग्जाम में स्टूडेंट रहते ही है। और इसी तरीके से मेडिकल में भी देखो एबसेंट रह रहे हैं स्टूडेंट। मेडिकल में रहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब एबसेंट है तो यही है, क्या करें। जो स्टूडेंट 27 तारीख को गए थे मेडिकल के लिए, सबसे पहले तो उनका जो है आईटीपी नपा था, उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट्स जो भी फॉर्मेलिटीज थी 10-12 की मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट वो सब कुछ उन्होंने चेक किया था। उसके बाद में उनका जो है वही बाहरी आँख का नाक जो भी नोकनी वगैरह है, हाथों का एंगल, वो सब कुछ चेक किया था 27 तारीख को वालों का। वो मतलब आप्रोसेस पूरा कर लिया था उनका भी जो, और आज दोबारा उनको दोबारा बुलाया 28 तारीख को। अब आज उनका जो है जो भी जांच है ब्लड टेस्ट यूरिन वगैरह वो सब कुछ चेक होगा आज भी, वही सेम प्रोसेस है तीनों सेंटरों पर। ऐसे ही धीरे धीरे मतलब एक दो दिन तो, दो दिन तो मिनिमम मान के चलो, दो दिन तो मतलब अपन को लगेंगे सभी को। इसके बाद में 28 आज हो चुकी 28 तारीख, 29, 1 और 2 तारीख को मेरा खुद का भी मतलब जो है वहां पर मेडिकल है। मैं खुद पूरा रिव्यू मतलब जो है पूरा मागा सेंटर वगैरह कैसा क्या माहौल है, जैसे मैंने टाइपिंग में दिखाया था ना पूरा बिल्कुल मागा सेंटर अंदर तक भाई टाइपिंग यहाँ पर हो रही है हमारी, ये पूरा हमारा नोएडा का सेंटर है। मैंने पूरा सब कुछ डिटेल में पूरा मतलब जो है वीडियो सहित पूरा बता दिया था वहां का सेंटर वगैरह, उसी तरीके से मैं पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ इसी चैनल पर। और जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई भी नहीं मिलता है तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहां पर हम सभी स्टूडेंट जो है रात में बढ़िया बातें करते रहते हैं, तो इसलिए वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल। क्योंकि मेडिकल के बाद में जो भी प्रोसेस होगा हमारा, जब हम ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे, वो सब कुछ डिटेल में मैं इसी चैनल पर मैं बताने वाला हूँ, और जो है रील वगैरह ये सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ। इसलिए भाई इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना वहां पर जाकर, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर जो है सभी स्टूडेंट हम एक साथ हैं, तो वहां पर भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पर हम सब जो है एक साथ बातें करते रहते हैं वहां पर भी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।